आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। 9 तारीख को होगी कांग्रेस पार्टी की जनसभा, तैयारी में जुटे कांग्रेस के लीडर। आजमगढ़ जिला के सगड़ी विधानसभा के चांदपट्टी करमैनी गांव में स्थित वीर अब्दुल हमीद इंटर कॉलेज के प्रांगण में जनवरी को कांग्रेस पार्टी की एक जनसभा होने जा रही है, जिसमें पार्टी के तमाम उच्च नेताओं को आने की संभावना है, जिसके लिए कार्यक्रम स्थल की देखरेख में विधानसभा सगड़ी प्रभारी अजीत राय और कांग्रेसी लीडर राणा खातून तथा कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशी सुमन चौहान, हरैया ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद जायसवाल सहित पार्टी के तमाम नेता कार्यक्रम स्थल के परीक्षण में जुटे रहे। न्यूज 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट। मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के हरैया ब्लॉक के करमैनी बाजार में, जहां हमारे सामने कांग्रेस पार्टी के लीडर लोग मौजूद हैं। यह किसी फील्ड का सर्वे कर रहे हैं, आइए जानना चाहेंगे कि इस सर्वे का मकसद क्या है। क्या नाम पड़ेगा मैडम आपका? राणा खातून कहते हैं। खातून जी, आप वीर अब्दुल हमीद इंटर कॉलेज के प्रांगण में आई हैं, आने का मकसद क्या है? यहाँ आने का कांग्रेस पार्टी की के विधानसभा व जनसभा होने जा रही है, संबंध में सगड़ी विधानसभा की जनसभा जो है वो भी होगी, तो उसी की तैयारी के सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। कब होनी है ये जनसभा? आगामी 8 जनवरी को। 9 जनवरी को, अभी चेंज हो रही डेट, फिक्स होने में हो सकता है 8, 9, 10 में से कोई, अभी 9 फिक्स है, 9 जनवरी संडे के दिन ये होगी। में हम कांग्रेस पार्टी के विधानसभा प्रभारी सगड़ी अजीत राय जी से जानना चाहेंगे। सुमन चौहान, मैं विधानसभा सगड़ी से संभावित प्रत्याशी हूँ और मैं यही चाहूँगी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और औरतों की भारी से भारी जनसंख्या इस सभा में करके मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाऊंगी और प्रियंका गांधी जी के जो भी कार्यक्रम होगा आजमगढ़ जिला में, चाहे वो दौड़ हो, चाहे वो रैली हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने का मैं काम करूंगी और ये जो यहाँ की जनसभा होगी इसमें औरतों को पूरा 100 में 100 मैं कोशिश करूंगी, भले वो 50 पर ही आके रुक जाए, लेकिन कोशिश करूंगी, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और पूरा इस फील्ड को भरने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। कार्यक्रम होना है, उसी क्रम में हम लोग यहाँ बैठक किया गया और यहाँ का फील्ड का सर्वे कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, नारी शक्ति संवाद का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि 5 जनवरी को आजमगढ़ DAB के प्रांगण में होना सुनिश्चित हुआ है। और मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से ज़्यादा लड़कियाँ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। 9 तारीख को कौन आ रहे हैं? देखिए, संभावित नेता में नदीम जावेद जी हैं, अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, और बालकिशन चौहान जी हैं और हार्दिक पटेल जी भी आ सकते हैं। जैसा कि गांव-गांव उधर सर्वे कर रही हैं प्रियंका जी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ख़ास तौर से माइनॉरिटी एरिया है जो लड़कियाँ ज़्यादातर पर्दे में रहना पसंद करती हैं, तो ऐसे इस दौर में, इस बीच में प्रियंका जी को आना चाहिए, आखिर वो क्यों नहीं मन बना रही हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का संदेश मुस्लिम लड़कियों को देने के लिए? नहीं, देखिए, जो हमारी नेता हैं प्रियंका दीदी जी द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है काफ़ी सराहनीय है, और ये सब समाज के लिए ये मैसेज दिया जा रहा है कि नारियां आगे आएँ समाज में, अपनी बढ़ कर हिस्सेदारी कायम करें ताकि इस समाज में उनका घरेलू हिंसा के शिकार ना हो, सामाजिक अपराध से वो बचें और वो समाज में अपने आप को मजबूती से स्थापित कर पाए। और इसमें देखिए, ना माइनॉरिटी की बात है, ना हिंदू की बात है, ये सारे लोगों के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। और जहाँ तक आपने आने की बात कही, तो जैसे विगत पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि NRC के मुद्दे पे बिलरियागंज के जौहर पार्क में जिस बर्बर तरीके से पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करके महिलाओं, बच्चों और बच्चियों को प्रताड़ित किया गया था, तो उस अवसर पे माननीय प्रियंका जी यहाँ पे आई और यहाँ के पीड़ित परिवारों से मिलकर उनके घाव पे मरहम रखने का काम किया। धन्यवाद।
लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए। डीएवी कॉलेज के प्रांगण में 5 तारीख को कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। जहाँ तक बता दें कि अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर प्रियंका गांधी जी हर कार्यक्रम को सार्थक करना चाहती हैं। न्यूज 9 भारत के लिए अपने सहयोगी शिखा रावत के साथ रोशनलाल। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।